नमस्कार चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। स्वागत हम नरवाल में मौजूद है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। आपको बताते चले कि यहां पर दो संदिग्ध ब्लास्ट हुए हैं और जिसमें से ये बताया जा रहा है कि पांच से छह लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौके पर यहाँ पर पहुंच चुकी है और जहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि आप पीछे ही रहिए। और वहीं पर तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि आप यहाँ पर पीछे ही रहिए। जिस तरीके से यहाँ पर दो संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। और लगातार पुलिस जो है आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर नरवाल की बात करें जो कि वार्ड 3 और 5 के बीच में आती है, जहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर दो संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर दो ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले और जहाँ पर ये बताया जा रहा है इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि 5 से 6 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और सबको हिदायत दी जा रही है कि आप पीछे ही रहिए। ये आप देख सकते हैं एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पर ब्लास्ट जो है संदिग्ध ब्लास्ट देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि आप पीछे रहे, गाड़ियों को भी इजाजत नहीं आगे जाने की। लेकिन तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 5 से 6 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और इस वक्त वो GMC हॉस्पिटल में उन्हें रेफर किया गया है। उनकी हालत जो है वो काफी, इनकी स्थिति जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं जहां पर लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि आप पीछे रहे, गाड़ियों को भी आगे इजाजत नहीं दिया जा रहा है जाने के। जहां पर पहले ये खबर सामने आ रही थी कि बजालता रोड पर ये इलाके में आपको बताते चले कि ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला है, लेकिन अब ये साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि नरवाल में ये ब्लास्ट जो है संदिग्ध ब्लास्ट, एक नहीं दो ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि दो ब्लास्ट जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं, जहाँ पर घायल लोगों को इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है, यहाँ पर जांच जो है वो जारी है और भी एंगल्स को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर, पुलिस की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से यहाँ पर खंगाला जा रहा है, हर एक चीज को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको बताते चले कि लगभग 5 से 6 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल यानी GMC में भर्ती किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। बहुत रिहायशी इलाका है, इस तरह का एक बड़ा आतंकी हमला जो है उसकी कोशिश की गई है। अगर किसी भी तरह से ये एक बड़ी मात्रा में ये ब्लास्ट होता है तो एक बहुत बड़ा झटका आम जनता के साथ साथ जानों को। आप इस साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर रजौरी में भी मिलिटेंट अटैक जो है वो देखने को मिला था, लेकिन वहीं पर आपको ये तस्वीरें दिखाते चले जहां पर नरवाल में दो ब्लास्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर 23 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू में आगमन करने वाली है और वहीं पर उससे पहले यानी कि एक दिन पहले ये ब्लास्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहाँ पर रजौरी की बात
करें तो जिस तरीके से राजौरी में भी मिलिटेंट अटैक जो है वो देखने को मिला था, जहां पर कई लोग जख्मी हो गए थे और कई लोगों की मौत हो गई थी, और उसके बाद आईडी ब्लास्ट जो है वहां पर देखने को मिला। लेकिन अब ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां पर नगवाल में ब्लास्ट जो है दो ब्लास्ट देखने को मिले हैं। और वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो कि जल्द ही 23 जनवरी को आगमन करने वाली है जम्मू में, लेकिन उससे पहले यानी कि एक दिन पहले ये ब्लास्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, चैनल वन के माध्यम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दो संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले। आपको बताते चले इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, हर एक चीज को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर गाड़ियों के पास खड़ी हुई है, क्योंकि अगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एक बार फिर से राजौरी इलाके में जो ट्रक के नीचे एक आईडी को लगाया गया था, और अगर वो आईडी ब्लास्ट होती तो कितना बड़ा नुकसान होता, पर फिलहाल उसे हमारे सुरक्षा बलों ने विफल किया, उस आईडी को यदि डिस्पोज ऑफ कर दिया। पर यही मैं अगर बात करें जम्मू की, अब जम्मू में भी इस तरह की जो आप देख सकते हैं इस वक्त पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। हर एक यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ों को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है, कॉर्डन पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप पीछे ही रहें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर हिदायत दी जा रही है, साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। हाँ जी प्लीज साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि आप पीछे रहें, और वहीं पर यहाँ पर कॉर्डन ऑफ जो है पूरे इलाके को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जहाँ पर ये खबर सामने आ रही है कि चार से पाँच लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को हिदायत दी जा रही है, और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, पूरी पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है, पूरे इलाके को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और वहीं पर तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, नरवाल में इस वक्त मौजूद है जहाँ पर ये दो ब्लास्ट जो है संदिग्ध ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है जहाँ पर ये संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही है, और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जिस तरीके से ये संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला है, दो संदिग्ध ब्लास्ट, एक नहीं दो ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिले। और आप देख सकते हैं कि लोगों को हिदायत भी यहाँ पर दी जा रही है, साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ऐसे में चुनौती है, इस टाइप की तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, इन गाड़ियों की तलाशी लेना, इन गाड़ियों की तलाशी के बीच ये जान पाना आखिर जो ब्लास्ट हुआ है वो किस कैटेगरी का था, ब्लास्ट का कुछ भी ब्लास्ट बैक टू बैक होना, ऐसे में अब ये भी आशंकाएं हैं कई तमाम स्क्रैप गाड़ियों में। आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर दो संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले, नरवाल में मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त मौजूद है, जहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दो संदिग्ध ब्लास्ट देखने को मिले, जहां पर जल्द ही जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा आगमन करने वाली है, और उससे पहले ये संदिग्ध ब्लास्ट जो है वो नरवाल में देखने को
मिले हैं, और इससे पहले भी राजौरी में जिस तरीके से मिलिटेंट अटैक जो है वो देखने को मिला, जहां पर कई लोग जख्मी हो गए और कई लोगों की मौत हो गई। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोगों को, आपको बताते चले कि चार से पांच लोग जो है इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरे इलाके को यहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम जो है यहां पर मौजूद है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इलाके को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। और वहीं पर और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की छोटी सी कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप पीछे ही रहें। तस्वीरें आपके सामने आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी राजौरी में मिलिटेंट अटैक देखने को मिला था, आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जिस तरीके से ये दो ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले हैं, नरवाल में ये ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लोगों को ये हिदायत दी जा रही है। वार्ड नंबर 3 और 5 के बीच में ये आता है, और वहीं पर लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घर के अंदर रहें और पीछे रहें, आगे ना बढ़िए, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट, दो संदिग्ध ब्लास्ट देखने को मिले, लगभग 4 से 5 लोग घायल हो चुके हैं जिन्हें GMC हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। उनकी हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। और वहीं पर आपको फिर बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही जम्मू में आगमन करने वाली है, और उससे पहले ही ये ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पर इससे पहले भी राजौरी में आपको बताते चले कि मिलिटेंट अटैक जो है वो देखने को मिला था, और वहीं पर अब ये ब्लास्ट जो है वो नरवाल में देखने को मिला। इससे रिलेटेड क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।